नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा, मैं हूं आशिका गुप्ता। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम आप बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से क्या उम्मीदें हैं। महंगाई से परेशान हर शख्स के लिए घर खरीदने का सपना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में बिल्डर्स ही नहीं, आम आदमी भी सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है कि घर खरीदने का ख्वाब बजट के बाद आसानी से पूरा हो जाएगा। बजट से वैसे तो ढेरों चाहते हैं, लेकिन इनसे कितनी पूरी हो पाएंगी इसका जवाब तो 28 फरवरी को ही मिल पाएगा। आइए सबसे पहले डालते हैं उन जरूरतों पर एक नजर जो टैक्स छूट के लिहाज से काफी खास है। एक सुंदर सपना, बस घर हो अपना, टैक्स छूट की है तमन्ना। घर की जरूरत पूरा करने के लिए एक आम इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई दांव पर लगाने से भी नहीं चूकता। इस एक लाइन में ही रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी कहानी बयां हो जाती है, लेकिन इस सेक्टर को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। सरकारी बेरुखी के चलते बिल्डरों की मनमानी और महंगाई की मार घर का सपना पूरा करने में आम आदमी की कमर ही तोड़ देती है। बजट करीब है और आम आदमी बाट जो रहा है कुछ सरकारी कसरतों की, जिनके जरिए रियल एस्टेट सेक्टर को रियायत मिल सकती है, जिनका सीधा फायदा आम आदमी को मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि हाउसिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाई जाएगी। प्रिंसिपल के भुगतान को 80C के अलावा टैक्स छूट दी जाए। पहला घर खरीदने वालों को बैंक के जरिए ब्याज दर में छूट दी जाए। ये कदम ऐसे हैं जो सीधे आम आदमी को फायदा पहुंचाएंगे। पिछले वर्ष 10 लाख रुपए तक जो लोन लेते थे उसके लिए सब्सिडी हमारे वित्त मंत्री जी ने दी थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार ये सब्सिडी की लिमिट और बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई का सिलसिला जारी है। प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कोई आशियाना अपना लोन लेकर बनाना चाहता है तो उसके लिए छूट और ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा डेवलपर्स की भी कई डिमांड हैं, जिनके बारे में उनका दावा है इससे आखिरकार फायदा तो आम आदमी को ही मिलेगा। बजट हाउसिंग मुहैया कराने वाले बिल्डरों को टैक्स छूट मिलनी चाहिए। बजट हाउसिंग के लिए रेट की सीमा तय करने के बजाय पूरे मकान की कीमत तय की जाए। बड़े शहरों में बजट हाउस की कीमत 15 लाख और छोटे शहरों में 10 लाख तय कर दी जाए। इन रियायतों का फायदा आम आदमी तक हर हाल में पहुंच सके, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। आम आदमी को घर दिलाना एक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। जो पहले सरकार ने बिल्डर्स को 2007-08 तक ATIB के तहत छूट दे रखी थी, मैं ये कहना चाहता हूँ ये छूट दोबारा शुरू होनी चाहिए ताकि हर परिवार का अपना एक आशियाना हो। रियल एस्टेट सेक्टर का बेलगाम होना बिल्डर्स और ग्राहकों दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। इससे जहां गंभीर बिल्डरों की इमेज पर खराब असर पड़ता है, वहीं ग्राहक भी अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं। हर किसी का है ये सपना, बस एक घर हो अपना, लेकिन टैक्स का बोझ और महंगाई की मार आम आदमी की इस हसरत को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा साबित होते हैं। अब बारी बजट की है और हर ग्राहक को उम्मीद है कि सरकार इस बार कुछ ऐसी रियायतों का ऐलान करेगी जिससे अपने घर का सपना साकार करने में आसानी हो। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ सुनील बेदी जी मौजूद हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं GMT लिमिटेड के, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रहेजा डेवलपर्स के MD नवीन एम रहेजा जी, जो कि SOCHM के चेयरमैन भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, सबसे बड़ी उम्मीद क्या है आपको नवीन जी? 60 साल के बाद भी जो आम आदमी को घर नहीं मिल पा रहा है, उसके मेन जो कंसर्न्स हैं उनको गवर्नमेंट को कम से कम अब एड्रेस करना चाहिए। और जो मेन कंसर्न्स हैं वो रिलेटेड टू प्राइसिंग और इनपुट्स हैं, क्योंकि कोई भी घर जो बनता है वो घर में जो फैक्टर्स काउंट करते हैं वो करते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ क्लियरेंसेस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ मनी एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द डेवलपर। नाउ इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फर्दर कंप्रोमाइज़ जो है नहीं किया जा सकता। नंबर वन, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर आपको आम आदमी को घर देना है तो कॉस्ट ऑफ लैंड का प्रोविज़न करना पड़ेगा सरकार को, और वो प्रोविज़न तभी हो सकता है अगर सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो लैंड बैंक्स पे अक्रॉस कंट्री बैठी हुई हैं और जहाँ स्लम क्रिएशन हो रही है, उन सब लोगों की जो लैंड है, लैंड बैंक्स जो हैं कंट्री में, जो कॉस्ट पे
गवर्नमेंट एजेंसीज ने होल्ड किए हुए हैं, प्लीज ट्राई टू अनलॉक दोज लैंड बैंक्स एट कॉस्ट, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऐसा प्रोविजन करना चाहिए बजट को कि जो डेवलपर मिनिमम टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर उन लैंड्स पे आम आदमी का घर बना के दे सकता हो, उनको ये लैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थ्रू ए ओपन टेंडर बिडिंग बट नॉट ऑन हायर साइड, ऑन द लोएस्ट बिडिंग पैटर्न, कि मैं ये घर जो है एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस के साथ और एक स्पेसिफिक साइज के साथ आम आदमी के लिए, मान लीजिए 40 स्क्वायर मीटर का घर है या 25 स्क्वायर मीटर का घर है और ये स्पेसिफिकेशन है, तो जो जिसका रिकॉर्ड अच्छा है जिस डेवलपर का, उसको गवर्नमेंट अपने साथ दे और बिडिंग में कि अगर जो सबसे कम रेट पे बना के देगा घर आम आदमी को, उसको ये अवार्ड करना चाहिए। बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में जो है रिक्वायरमेंट आम आदमी को घर देना है, और उसके लिए गवर्नमेंट को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा देन कन्वेंशनल टैक्स एंड दिस एंड दैट। यू नो जी, बिल्कुल। सुनील जी, आपकी क्या उम्मीद है बजट से? मैं ये समझता हूँ बजट के अंदर सरकार को सबसे पहले तो एक सोसाइटीज क्रिएट करनी चाहिए, जो ये प्राइवेट डेवलपर्स, हम प्राइवेट डेवलपर्स ही हैं कि हर सेक्टर के अंदर, मैं अपने गुड़गांवा की तरफ ही बात करता हूँ कि अगर कोई बड़ा कोई पैच 10 एकड़ या 15 एकड़ का, हर सेक्टर के अंदर सरकार को एक आम आदमी के लिए एक एलोकेशन करना चाहिए। उस एलोकेशन के अंदर आम आदमी को एक जो एक रहने के लिए, फॉर एग्जांपल 40 मीटर या 50 मीटर का घर, एक बेडरूम या एक बेडरूम दो बेडरूम का घर, उसके लिए लैंड अलॉट करके किसी प्राइवेट डेवलपर को देनी चाहिए कि प्राइवेट डेवलपर उसको एक रीजनेबल प्राइस पे, जो कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके, जो उसके सैलरी बजट जो वो मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक को देता है उसको अफोर्ड कर सके। हर सेक्टर के अंदर अगर ये 10 से 15 या 20 एकड़ का अगर एक लैंड का टुकड़ा अगर किसी प्राइवेट डेवलपर को दिया जाए और उसकी प्राइस फिक्स की जाए, उसको अगर गवर्नमेंट और आम आदमी को खुश करना चाहती है तो गवर्नमेंट को उसके लिए स्टील या सीमेंट उसको भी कोई कंसेशनल रेट के ऊपर डेवलपर को लेके देना चाहिए कि डेवलपर उस आम आदमी के लिए एक प्रोडक्ट बना के एक रीजनेबल प्राइस के अंदर उसको रहने के लिए जगह दे सके। जी साधु नवीन जी, रेगुलेटर की जो ज़रूरत है वो आप भी मानते हैं कि है, और आम आदमी भी चाहता है कि रेगुलेटर हो यहाँ पर, ऐसे में जो बजट होगा उसमें आपको क्या लगता है किस दिशा में रेगुलेटर जाएगा? बजट में रेगुलेटर के लिए अगर गवर्नमेंट मेंशन करती है, आई डोंट थिंक कि टैक्सेशन के अलावा होना आएगा मैटर, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको टेकअप करती है तो एक सेंट्रल एक्ट का प्रोविज़न जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। पिछले 2-2.5 साल से रेगुलेटर का मुद्दा उठाया गया है, उसमें बारी बारी कई क्वेश्चंस और कई चेंजेस मांगे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ मॉडल एक्ट फॉर द स्टेट्स, इट शुड बी अ सेंट्रल एक्ट, समथिंग लाइक ऑन प्राइस इट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट ऑफ 78, जिससे कोई भी अगर माफिया सरकारी लैंड या अनऑथोराइज लैंड के ऊपर जो प्लॉट काट के चुपचाप से लोग निकल जाते हैं और गरीब आदमी का पैसा बटोर लेते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाता है और उसमें नेक्सस हो जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी हो जाता है, लोकल पुलिस का भी नेक्सस हो जाता है, और वो आदमी जिसका पैसा एक गरीब आदमी का जो ये ठग के ले जाते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक्ट में जो एक्ट बनाया जा रहा है उसके अंदर इसके ऊपर कई रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं, हमने भी दी हैं, एसोचैम की तरफ से भी दी हैं। तो जब तक एक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, वो सेंट्रल एक्ट के थ्रू ही हो सकता है, और उसके अंदर लोगों को सज़ा होनी चाहिए जो इस टाइप के डेवलपर्स और बिल्डर जो इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं जिसमें चीटिंग करते हैं पब्लिक को, आम आदमी को, उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए एंड दैट शुड बी थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी चलिए, हमने ये तो जान लिया कि रियल एस्टेट की क्या उम्मीद है बजट से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे टैक्स छूट पर, जो कि एक बहुत जरूरी मुद्दा है। फिलहाल आप देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी जरूरत है रेगुलेटर के गठन की, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों के साथ ही बिल्डरों को भी होगा। आइए देखते हैं कि सबको घर दिलाने के लिए और क्या कदम उठाने की जरूरत है। रियल एस्टेट चाहे रेगुलेटर, ग्राहक चाहे रेगुलेटर, फिर क्यों नहीं मिलता रेगुलेटर? रियल एस्टेट सेक्टर को भरोसेमंद बनाने और उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर भी टेलीकॉम, शेयर बाजार और इंश्योरेंस की तरह ही रेगुलेटर मौजूद हो। ऐसा होने पर सबसे बड़ा फायदा आखिरकार ग्राहकों को ही मिलना है,
क्योंकि निर्माण का समय घटाया जा सकेगा और बिल्डरों को वायदे के मुताबिक ही परमिशन देना होगा, वरना उन पर भारी पेनल्टी थोपी जा सकती है। बिल्डरों को भी मंजूरी मिलने में कम समय लगेगा और प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा कर पाना मुमकिन हो जाएगा, जिससे कुल लागत में भी इजाफा नहीं होगा। अफोर्डेबल मिड हाउसिंग और लग्जरी होम्स के बीच का अंतर साफ होने से टैक्स छूट का फायदा जरूरतमंद प्रोजेक्ट्स को ही मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी देश में 5 से 15% है, जिसे एक समान किया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी में कमी की जरूरत भी है। FDI का मामला सुलझ सकता है, जो न्यूनतम एरिया और लॉक इन पीरियडों के चलते कामयाब नहीं हो पा रहा है। यानी रियल एस्टेट जगत की ज्यादातर समस्याओं का समाधान तो अकेले रेगुलेटर के गठन से ही हो सकता है। सरकार बिल्डर्स को कितना भी फायदा पहुंचाए, कितनी भी रियायतें दें, उसका फायदा तभी है अगर वो एंड यूजर को फायदा मिले। इसके लिए बिल्डर्स के ऊपर निगरानी का होना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा, रियल एस्टेट में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए अब बहुत जल्द रेगुलेटर आना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों की तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीन बिल्डिंग्स को कुछ बिल्डरों ने बढ़ावा देना शुरू किया है। इनके डिमांड है कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डर्स को टैक्स छूट मिले, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काफी खर्च आता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वाले ग्राहकों को भी टैक्स छूट और रियायत मिले। हालांकि फिलहाल तो सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है, जिससे निपटे बिना रियल एस्टेट सेक्टर की मुश्किल को कम नहीं किया जा सकता। सप्लाई पर दबाव है, जिसके चलते प्रोजेक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सप्लाई पर दबाव और बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट की वैल्यू के मुकाबले कम लोन मिलता है। स्टील सीमेंट जैसे कच्चे माल की कीमतों में बेलगाम इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, रियल एस्टेट जगत को उद्योग का दर्जा नहीं मिला है, जबकि ये क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे नंबर पर रोजगार मुहैया कराता है। अगर टैक्स के ढांचे को, स्टैम्प ड्यूटी के ढांचे को सरल बनाया जाए तो लोगों को भी बहुत फायदा होगा और व्हाइट मनी भी बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर 50 लाख की एक प्रॉपर्टी की सेल डीड रजिस्टर्ड होती है और उसी प्रॉपर्टी को 6 महीने बाद, 2 साल बाद दोबारा रजिस्टर्ड कराया जाता है और वो 75 लाख रुपए की होती है, तो जो 50 और 75 का अंतर है उसी पे स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, ना कि दोबारा से 75 लाख पे लगनी चाहिए। इससे ये होगा कि व्हाइट मनी का फ्लो बढ़ेगा। जरूरत तो सर्विस टैक्स को भी हटाने की है। आखिरकार इसका बोझ तो ग्राहकों पर ही पड़ रहा है और घर की कीमत में बेवजह इजाफा हो रहा है। सर्विस टैक्स का मुद्दा हो या फिर स्टैम्प ड्यूटी, आखिर में टैक्सेस का बोझ तो आम ग्राहकों पर ही पड़ता है। वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ इतना ज्यादा है कि उससे मकान की कीमतें बढ़ती ही चली जाती हैं। उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकार इस ओर ध्यान देगी और एक आम ग्राहक के लिए मकान खरीदना काफी हद तक सस्ता हो सकता है। आदित्य राणा, दिल्ली आज तक। रियल एस्टेट सेक्टर को क्या उम्मीद है बजट से, इस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन मुद्दा टैक्स छूट का भी है और हर कोई चाहता है टैक्स छूट, चाहे वो आम आदमी हो या फिर डेवलपर्स हो। इसको लेकर आपको सुनील जी क्या लगता है, बजट में क्या कुछ आना चाहिए? मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट पहले से थोड़ा सा बेनिफिट्स आम आदमी को देगी, क्योंकि पीछे कुछ टाइम के अंदर आपने देखा है कि 5-6 महीने के अंदर बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़े से 1-1.5% के करीब बढ़े हैं, तो थोड़ा आम आदमी को थोड़ी दिक्कत आ रही है उसके अंदर, और गवर्नमेंट से उम्मीद की जा रही है और गवर्नमेंट इसको सुनेगी और आम आदमी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है नवीन जी, विदेशी निवेश की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? अल्टीमेटली देखिए, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो घर आदमी को मिलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मुद्दा, उसमें कॉस्ट ऑफ मनी भी इन्वॉल्व होता है। विदेशी निवेश किन टर्म्स के ऊपर आता है, मेन उस पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली पे तो उसको करना है जो आदमी खरीदता है घर को। विदेशी निवेश की जरूरत इसलिए ज़रूर है कि कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, लेकिन विदेशी निवेश जो है उसके अंदर बहुत कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। यह नहीं हो कि डेवलपर्स जो हैं, जिनके जो डेट गैप्स हैं, उनको सर्विस करने के लिए किसी भी रेट के ऊपर विदेशी निवेश को ले आए अंदर, और वो जो कॉस्ट है वो एक आम आदमी को बाद में बियर करना पड़े। तो इसमें एक बहुत कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है। विदेशी निवेश अलाउड होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से असेस करके, और उसकी अपर कॉस्ट लिमिटेशंस जो हैं वो वेल स्पेसिफाइड होनी चाहिए। सुनील जी, इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं मिला है रियल एस्टेट को, और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो रियल एस्टेट में ही है। क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी पर्सनल राय है कि रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस पर अभी गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं लगी, बट इससे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त पूरे भारत के अंदर मैं देखता हूँ कि इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और
थोड़ा सा पीछे कुछ एक साल पहले थोड़ा सा सेटबैक लगा, वो रियल इस्टेट से लगा सेटबैक, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से आज से 1.5 साल पहले ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है जी। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि बजट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। टिल 2008 31 मार्च जो है सेक्शन 80IB के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस के, जैसे 1000 square feet का जो मकान था कार्पेट एरिया का, उसके ऊपर एग्जम्पशन था टैक्स लिमिट का, जो कि विदड्रॉ कर लिया गया। गवर्नमेंट एक तरफ से घर देना चाहती है, दूसरी तरफ से कम एक आम आदमी या छोटे जो मकान बनाना चाहते हैं लोग, उनको कम से कम इतना तो फैसिलिटेट करें कि उसके ऊपर टैक्सेशन ना लगे, उसके ऊपर जहाँ तक हो सके जितनी इनपुट्स हैं उसके ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन होनी चाहिए, और इवन द इनकम टैक्स कुछ तो एडवांटेज देना चाहिए डेवलपर्स को कि वो छोटे घर बनाए। तो नंबर वन वो एग्जम्पशन जो पहले थी उसको इनको दोबारा से जो है रिवाइव कर देना चाहिए, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए डेवलपर्स जो है मकान बनाए। दूसरा, सेक्शन 35AD के अंदर जो है स्लम रीडेवलपमेंट में लास्ट ईयर इन्होंने प्रोविज़न किया कि उसके अंदर जो है हम एग्जम्पशन देंगे इनकम टैक्स में, लेकिन अगर आप उसको पूरे डिटेल में पढ़े तो वो एग्जम्पशन कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, जबकि स्लम रिहैबिलिटेशन जो है वो कंपनसेटरी एलिमेंट में होता है, इन्वेस्टमेंट जाती है स्लम के अंदर और उसका जो फ्री डेवलपमेंट एरिया होता है उसमें इनकम आती है। तो एक्चुअली जो उन्होंने लास्ट ईयर के बजट के अंदर ये जो प्रोविज़न किया है वो इनऑपरेटिव है। तो गवर्नमेंट को उसको ऑपरेटिव करने के लिए ये देखना चाहिए कि स्लम के प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इनकम नेट जनरेट होगा वो टैक्स फ्री होगा, तो ये करना चाहिए सरकार को। जो किया गया है उसके अंदर वो ऑपरेटिव हो ही नहीं सकता है जी। तो गवर्नमेंट को उस फैक्टर को भी देखना चाहिए। अगर आप आम आदमी के लिए स्लम रीडेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं तो एक सिंसियर साइंटिफिक एनालिसिस करके आप उसको इम्प्लीमेंट करें और टैक्स एग्जम्पशन को एक्सटेंड करें एक आम आदमी के एक छोटे साइज के घर बनाने के लिए। सुनील जी, लोन मिलने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों या फिर आम ग्राहक हो, तो रिस्क वेटेज का मुद्दा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और वैल्यूएशन जो होती है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम लोन मिलता है रियल इस्टेट के अंदर। गवर्नमेंट से मैं तो पर्सनली यही कहूँगा कि भाई रियल इस्टेट को एक स्टेप सन का दर्जा ना दे के, क्योंकि रियल इस्टेट इंडस्ट्री अगर आप पूरे भारत की देखें जितनी बड़ी इंडस्ट्री और जितनी इससे इनकम या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट इंडस्ट्री कर रही है इतना शायद ही कोई सेक्टर हो कि जो रियल एस्टेट के अंदर के अलावा जो कोई और इंडस्ट्री कर रही हो। तो रियल एस्टेट के साथ अगर थोड़ा सा और कॉपरेशन और थोड़ा सा इसको और पुश किया जाए तो आई थिंक रियल एस्टेट इज द बेस्ट इंडस्ट्री। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को और क्या कुछ करना चाहिए ताकि आम ग्राहक को घर खरीदने में आसानी हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, सुनील जी और साथ ही नवीन जी। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे FDI को लेकर अभी तक तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है और मौजूदा नियमों के मुताबिक इससे खास फायदा भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, FDI के अगेंस्ट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हर जगह इस कंट्री के अंदर कई FDI कंपनीज ने आके इन्वेस्ट किया है और अच्छी रिटर्न भी उनको मिल रही है। तो बट क्योंकि पीछे जो 1.5 साल थोड़ा सा जो पीरियड था रियल एस्टेट के लिए 2 साल पहले वो थोड़ा सा सेटबैक वाला पीरियड था, तो उसको रिकवर करने में अब जो लास्ट ईयर गया है वो थोड़ा इम्प्रूव होके गया है। तो FDI के नॉर्म्स बन रहे हैं और FDI ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी है और काफ़ी FDI के नॉर्म्स को और भी ईजी किया जा रहा है और बिल्डर उसका बेनिफिट्स हम लोग ले भी रहे हैं। ऐसी कोई FDI के अंदर कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं। ग्राहकों को और एक शिकायत है, जो घर खरीदते हैं लेट पेमेंट पर आप 18-24% तक ब्याज तो वसूल लेते हैं, लेकिन जब पोजेशन लेट होता है तो ना के बराबर पेनल्टी चुकाते हैं। इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक एंगल से देखें, रियल एस्टेट डेवलपर्स बैंक नहीं है। रियल एस्टेट डेवलपर जो पैसा लेता है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेता है, क्योंकि आपका सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम की तरह वो पैसा आपसे लेंगे और बिल्डिंग बनाएंगे। अगर 500 आदमियों का पैसा लेके एक बिल्डिंग बन रही है तो उस टाइम पे अगर उसमें से 10-15 लोग नहीं दे रहे तो बाकी 490 लोगों को आप पेनलाइज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन स्लो करके। तो आपको पैसा बैंक से लेना पड़ता है। जब आप बैंक से पैसा लेते हैं तो आज की डेट में बैंक का जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो 15-18% तक जाता है, तो वही बिल्डर जो है आपसे मांगता है।
अगर आप कहें कि सेम रेट के ऊपर उसको कंपनसेट करना चाहिए, वो पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है जी, वो प्रॉपर्टी से बाहर निकल नहीं रहा है। आपका जो नुकसान होता है जो कस्टमर का, वो होता है कि उसको अगर घर टाइम पे मिल जाता तो वो अपना किराए के मकान में नहीं रहता जी, तो उसको कंपनसेशन का हक बनता है किराए का, ना कि उसको कंस्ट्रक्शन लोन का। कंस्ट्रक्शन लोन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किराए के ऊपर अगर आप मकान लेते हैं तो कम होती है। तो अगर मान लीजिए आपने 3 बेडरूम फ्लैट लिया है और उसके ऊपर अगर आप पैसे नहीं देते तो बिल्डर को, बिल्डर को तो पैसा मिलेगा बैंक के रेट के ऊपर, लोन के रेट के ऊपर। ग्राहक का नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है घर ना मिलने का, तो उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए उस घर के किराए के इक्विवेलेंट में, क्योंकि वो उतना देर वेट कर रहा है घर मिलने के लिए। और उस किराए के ऊपर अगर कैलकुलेशन करें तो ज़्यादातर डेवलपर्स जो है, कुछ अच्छे डेवलपर्स जो हैं, वो उसको उस तरीके से स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि वो किराए की कंपनसेशन के बराबर हो जाए, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डर एक फाइनेंस कंपनी नहीं है कि उसने पैसा जो लिया है वो उसके पास पड़ा है या उसने 18% पे आगे लगाया हुआ है और वापस वो 18% पे दे सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड बैट करना चाहूँगा। देखो, आपके पास इस टाइप की शिकायत जो आती हैं ये बड़ी नॉमिनल होती हैं। कई कस्टमर इसमें ऐसे हैं कि जिनको ये एक आदत पड़ गई है कि बिल्डर को सिर्फ एक पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट दे के उसको स्टॉप कर देना, फिर उसमें एप्रिसिएशन देखना। जब उसने देखा कि उसके अंदर एप्रिसिएशन 5 टाइम है, 10 टाइम है, 20 टाइम हो गई है, तो वो बिल्डर के पास आके बोलते हैं कि जी हमारे से आप ये ना 18% या 15% या 12% इंटरेस्ट लेके प्लीज़ हमारा फ्लैट रिस्टोर कर दीजिए। ये बड़ी छोटी शिकायत है, क्योंकि लोगों का एक ये बिजनेस बन गया है बिल्डर को बदनाम करने का कि पहली इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, अगर एप्रिसिएशन हो गई तो वो हमारे को दे दीजिए। तो बिल्डर ने अगर 14 या 15% पे, हमने अगर बैंक से पैसा, हमें वैसे तो मिलता बहुत मुश्किल है, अगर 15% पे हमारे को मनी लैंडिंग होती है और हमने बिल्डर्स ने अगर उनसे 18% या 19% ले लिया, तो इतना ये 2 या 3% तो सर्विस चार्जेस भी लग जाता है कि 2-2 साल, 1-1 साल उनको हम लेटर डाल रहे हैं, हमारा स्टाफ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसके अंदर, कोई बिल्डर कोई इतने पैसे नहीं कमा रहा कि टोटल अगर 10 केस ऐसे हों तो उसके अंदर बिल्डर ने क्या कमाना है, सिर्फ ये बिल्डर को बदनाम करने की वो है। चलिए, आज हमने चर्चा की कि आप जो बजट आने वाला है उससे रियल एस्टेट को क्या उम्मीद है। अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि अगर आप प्लॉट्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो सस्ते प्लॉट्स कहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है askme@propertychacha.com। साथ ही आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9871372372। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। नवीन जी और सुनील जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।